UPI ऐप के जरिए पैसे का पेमेंट बहुत आसान हो गया है, लेकिन कई बार आपका पेमेंट नहीं हो पाता है। पता चलता है कि आप पेमेंट की लिमिट पार कर गए हैं। आखिर ये लिमिट क्या है? आज हम आपको UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि की ट्रांजैक्शन लिमिट बताएंगे। UPI ऐप्स में कई लेवल पर लिमिट होती है। सबसे पहले तो ऐप खुद ही अपनी लिमिट तय कर सकते हैं। जैसे भीम ऐप ने किसी एक ट्रांजैक्शन की अधिकतम लिमिट 10,000 रुपए तय कर रखी है। वैसे ज्यादातर ऐप ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाते हैं। इसके बाद UPI प्लेटफॉर्म चलाने वाली संस्था NPCI ने लिमिट तय कर रखी है। इसके मुताबिक आप किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करके एक दिन में 1,00,000 रुपए से ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एक दिन में 10 बार से ज्यादा बार पैसे नहीं भेज सकते हैं। ये लिमिट भी सभी UPI ऐप्स को मिलाकर गिनी जाती है। इस लिमिट में सभी UPI ऐप्स शामिल हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने Google Pay से 10 बार पैसे भेजे और उसके बाद Paytm से भी आप 2 बार पैसे भेज देंगे। 10 की लिमिट सब पर लागू है, लेकिन UPI ट्रांसफर की ये लिमिट दुकानदार को पेमेंट करने पर लागू नहीं है, यानी मर्चेंट पेमेंट की गिनती नहीं होगी। इसके अलावा बैंक भी अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन लिमिट तय करते हैं। हालांकि ज्यादातर बैंकों की अपनी लिमिट भी UPI की लिमिट को मैच करती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी एक दिन में किसी बैंक खाते से UPI के जरिए अधिकतम 1,00,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट कम है। इतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे भेजने की अनुमति नहीं देता है। UPI ट्रांजैक्शन में इन्हीं लिमिट्स के चलते कई बार आप पैसे भेज नहीं पाते हैं और आपके सामने लिमिट पार करने का मैसेज आ जाता है। दोस्तों, हम आपके समय की कीमत समझते हैं, इसलिए हमने आपका 3 मिनट से भी कम वक्त लिया है। क्या आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा? अगर हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके मतलब की जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर टैप करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।